ए हल्ला काय कर रहे हो जी, शांत से रहो ना। ए हल्ला करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, बात जान लो। शांत होकर के बात को सुनो और डिसिप्लिन होकर के परिचय दो। सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, सबको नौकरी मिलेगा, लगता हमको भी नौकरी मिल जाएगा। और 10 किलो राशन जो मोदी जी 5 किलो राशन, उसको हम लोग बढ़ा करके 10 किलो, 10 किलो मिलेगा। और 10 किलो में आराम से सब घर में बना के खाएगा। अरे ड्रोनवा को हटाओ ना यार, यहां से गिर ना जाएगा मथवा पे। ड्रोन से देखिए हम खुद डरते हैं, कब काम माथा पे गिर जाए कोई ठीक नहीं है, बैटरी लो कुछ भी हो सकता है। नहीं यार तो ड्रोन को कह लिया, तुम लोग सोशल मीडिया वाला नहीं सुधरोगे, आराम से रहो ना। आप देखिए कि मोदी जी आए बिहार में, उसके पीछे पीछे कौन आए, क्या नाम है जी उनका, अरे जो थोड़े मोटे हैं, हाँ हाँ वही अमित शाह, तो वो भी आए पीछे। तब बिहार में एक ही आदमी का दाल गलता है, बिहार का जो जनता जिसको पसंद करता है। सब कलाकार लोग आ रहे हैं, सब लोग आए, सब लोग की स्वागत है। ए सुनो, ऐसा हुलुच पुलुच करोगे तो खेसारी जी को यहाँ से भेज देंगे हम, ये जान लो बात, आराम से नहीं सुन रहे हो। तो अगर लालू यादव का असली में फौजी है तू लोग, तो डिसिप्लिन में रहो और जो बता रहे बात सुनो चुपचाप से। हड़बड़ाने से काम गड़बड़ाता है। अब विरोधी सब तो चाहिए रहा कि ये सब हड़बड़ाए, इसलिए हड़बड़ाने में काम गड़बड़ाया जाएगा। हड़बड़ा चिल्लाना काहे के लिए, सारी जी भी हैं, छोटू छलिया हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सब लोग कलाकार हैं, आप ही के लिए ना आए हैं। और आप इस तरीके से माहौल बनाइएगा तो ये सब आरएसएस आप भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है, हैं? इसलिए संयमित से रहिए, अखदेरिया भाजपा वाले को। इसलिए अभी तेजस्वी जी को भी यहाँ आना है। चाचा जी से एक एक बात है कि भाई जहां रहिए अस्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए, अब हैने उन्हें ढूंढ लाइए मत, फुटबॉल मत बनिए। भाजपा वाला बोला कि आप